हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम योर टीचर पूजा साहनी, ओके। एंड मैं आई हूँ आपकी बुक लेकर ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज, ओके। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ओके। और जो सेकंड चैप्टर है उसका क्या नाम है बच्चों? सेंटेंस। सेंटेंस समझते हो क्या होता है? सेंटेंस होती है एक लाइन, एक वाक्य, ओके। सो आगे चलते हैं और सीखते हैं क्या होता है सेंटेंस, ओके। चलिए, सो सेंटेंस की यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है बच्चों। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस होते हैं जो बनता है कुछ वर्ड्स के साथ, ओके। जब हम कुछ वर्ड्स को जोड़ देते हैं आपस में तो एक सेंटेंस बनता है, राइट? जैसे आप उसके साथ में अभी बात कर रही हूँ, आपको वो बात समझ आ रही है ना? आपको मेरी जो मैं आपसे कह रही हूँ आपको वो समझ आ रहा है, राइट? अगर वो आपको समझ आ रहा है तो इसका मतलब मैं सही सेंटेंस का यूज कर रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैं गलत सेंटेंस का यूज कर रही हूँ। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है that are arranged in a correct order, जो एक correct order में arrange किया जाता है, that makes complete sense, जो complete sense बनाता है, मतलब पूरी तरह से हमें समझ में आता है। It starts with a capital letter and ends with a full stop. ये start हमेशा कैसे होता है? Capital letter से। एक तो बच्चों आपने ABCD लिखी होगी capital इस तरह से, right? और एक लिखी होगी small, राइट? इस तरह से, ओके? है ना? ऐसे कैपिटल और स्मॉल ये होता है। तो जो हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं हम हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और एंड कैसे करते हैं? फुल स्टॉप से, ओके? या फिर क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क कब पूछा जाता है? जब सेंटेंस में क्वेश्चन होता है, राइट? जब हम कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, या फिर एक एंड होता है सेंटेंस मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से। एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है वहां पर, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं। एग्जांपल है आई एम गोइंग टू पार्क। अब ये समझ आ रहा है सबको? एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। व्हाट इज योर नेम? इसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है? आउच, दैट हर्ट। तो जब हमें कोई सडन फीलिंग बतानी होती है या हम सरप्राइज होते हैं या हम दुखी होते हैं और हमें वो एक्सप्रेस करना होता है तब हम कुछ इस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं और सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। आपको राइट टिक करना है। टिक द राइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, इनमें से जो सेंटेंसेस हैं हम उन्हें राइट टिक करेंगे। और सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, जिनसे हमें समझ में आता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, राइट? गेव मी अ वॉच। गेव मी अ वॉच तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। गिव मी अ वॉच होता तो ये ठीक होता, ओके। टीना इज गोइंग टू मार्केट तो ये एक सही सेंटेंस है। Donald Trump was the president of the USA. ये भी सही सेंटेंस है। My own house. ये समझ आ रहा है, मेरा अपना घर। लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है, हमें नहीं समझ आ रहा वो क्या कहना चाहते हैं। I like to paint. ये ठीक है। Selena is a dancer. Yes, this is also correct. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है बच्चों। Sometimes, कभी कभी A sentence, एक जो sentence होता है, contains only one word and still makes a complete sense. और कभी कभी सिर्फ एक इसमें word होता है और ये फिर भी एक complete sense बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है। A sentence always start with a capital letter. आप ये याद रखोगे बच्चों कि हमेशा आपको capital letter से उसे start करना है, मतलब के बड़े alphabet से start करना है, and ends with a फुल स्टॉप, और आपको फुल स्टॉप लगाना ही लगाना है, ओके? सो ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट? चलिए आगे चलते हैं बी एक्सरसाइज की तरफ, ओके।
सो रीराइट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको इन्हें फिर से लिखना है करेक्टली टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, राइट right? जैसे देखो यहाँ पे नंबर वन देखिए, आई यस्टरडे सॉ कार रेड हर्ब, ये कोई सेंटेंस का सेंस हुआ? आई यस्टरडे सॉ कार रेड हर्ब, ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ ना। और अगर हम इन्हें दोबारा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई सॉ अ रेड कार यस्टरडे, ठीक है। अब ये समझ आ रहा है या ये समझ आ रहा है, आई यस्टरडे सॉ कार रेड कार, आई सॉ अ रेड कार यस्टरडे, तो ये समझ आ रहा है ना कि मैंने कल एक रेड कार देखी, राइट right? तो इस तरह से हम इन सब को रीराइट करेंगे और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। सो सेकंड क्या है, टॉय ऑफ फुल द बैग इज, सो ये हमारा नंबर वन था, ये नंबर टू, द बैग इज फुल ऑफ टॉयज। अब आपको समझ आ रहा होगा द बैग इज फुल ऑफ टॉयज। थर्ड क्या है, हम्प्टी डम्प्टी वॉल ऑन सेट अ, तो सबको वो पोयम याद आ गई होगी, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, राइट। सो इसको हम ठीक करेंगे, हम्प्टी डम्प्टी नंबर थ्री है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। तो अब आप नोट कर रहे हो कि मैंने देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है और सबके आगे फुल स्टॉप लगाए हैं, तो ये आपने भी करना है। नाउ फोर्थ वन, आई स्कूल गोइंग एंड टू टुमॉरो, सो इसको हम कैसे ठीक से लिखेंगे, चलिए आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमॉरो, राइट। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल टुमॉरो, ओके। अब ये जो दो सेंटेंस हैं बच्चों, ये आपको खुद लिखने हैं आपके होमवर्क में, ओके। डाउन दे सेल द रिवर, सो आपको ये खुद लिखना है, एंड ज्योति जय पाप विन द टू, ओके। सो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ लिखना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नाउ एड वर्ड्स टू द गिवन वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टार्स या स्काई, रीडिंग एंड बुक। अब हमें इनमें कुछ और वर्ड्स ऐड करके यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयर, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं बच्चों, देयर आर मैनी स्टार्स, बहुत सारे है ना, मैनी स्टार्स इन द स्काई, ओके। चलिए अब इसका लिखते हैं क्या होगा, वो बुक रीड कर रही है ना, सो शी इज रीडिंग अ बुक, राइट। सो इस तरह से हमने ये दोनों सेंटेंसेस बना दिए, ओके okay? आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नाउ दिस इज दी एक्सरसाइज, और हमें क्या करना है, पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द क्वेश्चंस एंड अ फुल स्टॉप आफ्टर द स्टेटमेंट्स, ओके। सो आपको पता है जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, यस, हम उसके पीछे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, और जिस जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है उसके नीचे हम लगाते हैं फुल स्टॉप, तो हमें यहाँ पर वही लगाना है, बस इतना सा ही करना है। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या आप कल दिल्ली जा रहे हो, तो क्या है ये क्वेश्चन है ना, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क, ओके।
सुनाओ, माय मदर लव्स टू कुक फूड, मेरी मम्मा को खाना बनाना अच्छा लगता है, फुल स्टॉप, बिकॉज ये सिंपल सेंटेंस है. व्हेन डिड यू लास्ट सी दिस, व्हेन आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड है, सो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. रीता एंड गीता आर प्लेइंग चेस, जस्ट फुल स्टॉप लगाएंगे बच्चों. द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, टेबल लकड़ी की बनी है, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाएंगे. हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, इस बुक का ऑथर कौन है, किसने लिखी है ये बुक, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा रहा है. व्हेन विल शी कम बैक, क्वेश्चन मार्क, वो वापस कब आएगी. ओके, द मैजिशियन इज डूइंग मैजिक ट्रिक्स, फुल स्टॉप. थोड़ा सा बड़ा हो गया, द मैजिशियन इज डूइंग मैजिक ट्रिक्स, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाने वाले हैं. एंड द नाइंथ वन इज वी आर प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं. सो अब बताओ आप मुझे, ये क्या एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, या सिंपल बता रहे हैं कि वी आर प्लेइंग हॉकी, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क या फिर फुल स्टॉप. यस, फुल स्टॉप. एंड द लास्ट वन इज What is your name? आपका नाम क्या है? So, अब ये क्या है बच्चों? ये है एक question, right? Question है ना? तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं question mark, okay? So, we go ahead now. चलिए आगे चलते हैं. Yes. तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि statements always end with a full stop. Statement कैसे end होता है बच्चों? Full stop से end होता है statement. हमेशा कैसे एंड करेंगे हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को? फुल स्टॉप से. आपने उसे भूलना नहीं है. क्वेश्चंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन कैसे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से, जैसे अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था. ओके, अ सेंटेंस कैन बी अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट. और जो एक सेंटेंस होता है ना, वो क्वेश्चन भी हो सकता है और स्टेटमेंट भी हो सकता है, जैसे कि इस एक्सरसाइज में है. Change these statements into questions. ये सारी simple statements आपको यहाँ पर दी हुई हैं और आपको इन्हें किस में बदलना है बच्चों? Question में बदलना है. Okay? One has been done for you. एक आपके लिए की गई है. जैसे कि Usha and Asha are going to school. Usha और Asha school जा रही हैं. ठीक है? अब इसका question sentence क्या बनेगा? क्या Usha और Asha school जा रही हैं? तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे कि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, राइट? सो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं, आर उषा एंड आशा गोइंग टू स्कूल. सो सबसे पहले आप इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढ दीजिए, इस यहाँ पर इस, ओके, एंड आर. अब आपको सिंपल क्या करना है, इनको क्वेश्चन में बदलना है ना. सो विनीत इज फ्लाइंग अ काइट. सो सबसे पहले क्या होगा, ये इस पहले आ जाएगा. इस, देखो मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया है, इज विनीत फ्लाइंग अ काइट. अब हमने इसे क्वेश्चन में बदल लिया, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, राइट? चलिए आगे चलते हैं. द ओल्ड फार्मर इज हैप्पी. सो इस का Old farmer happy. तो यहां पर भी आ जाएगा question mark. Okay? So now, that man is looking for Vivek. Okay? So is that man looking for Vivek question mark. Okay? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने विवेक का वी क्यों कैपिटल बनाया है, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये एक नेम है, दिस इज अ नेम, सो यहाँ पर वी तो कैपिटल बनेगा, राइट? लेकिन हमेशा याद रखेंगे आपको क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं, राइट? दे आर गोइंग टू मनाली नेक्स्ट वीक, इसका क्या बनेगा, आर पहले आ जाएगा, राइट? आर दे गोइंग टू मनाली नेक्स्ट वीक. ओके, सो इस तरह से हम इन सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे, राइट? चलिए आगे देखते हैं. द कैट इज स्लीपिंग इन द
बास्केट। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब्स को देख लेते हैं। इज आर जो भी है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी, और ये पहले आ जाएंगी जब हम इन्हें क्वेश्चन में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा इज द कैट स्लीपिंग इन द बास्केट। ओके सो बच्चों, इसी तरह से आप ये बाकी के सिक्स भी कर सकते हैं। ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। ओके चलिए, जैसे कि मधु एंड मंजू आर ईटिंग स्ट्रॉबेरीज। सो आर आर पहले चला जाएगा ना यहाँ पर, आर मधु एंड मंजू ईटिंग स्ट्रॉबेरीज, और यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। राइट, इजी है ना। आई होप ये आप सब कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ओके बाकी के सारे सेंटेंसेस आपको रीराइट करने हैं और इन्हें क्वेश्चन वर्ड बनाना है। ओके सो वी गो अहेड नाउ। यस दिस इज प्रोवोकेशन एक्सरसाइज चिल्ड्रन फॉर यू। ओके हमें इसमें क्या करना है, मेक क्वेश्चंस बाय चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। वही जो मैंने पहले लास्ट एक्सरसाइज में, ये सब क्या है बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स की पोजीशन चेंज हो जाती है और सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हेनो इज रीडिंग अ बुक। सो कैसे हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, हम इसको यहाँ ले आएंगे राइट और इसको क्वेश्चन बना। कैसे, इज हेनो रीडिंग अ बुक राइट। इस तरह से द शिप्स आर इन द हार्बर, शिप आर इधर आ जाएगा राइट। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, आर शिप्स इन द हार्बर। ओके क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दे आर प्लानिंग अ ट्रिप, आर इधर आ जाएगा, आर दे प्लानिंग अ ट्रिप क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है, और इनकी पोजीशन चेंज करनी है। इस पहले आ जाएगा, आर भी पहले आ जाएगा। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले रखोगे सेंटेंस में और उसके बाद अपने सेंटेंस को लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता देती हूँ, दे आर प्लानिंग अ ट्रिप। सो इसमें क्या होगा, आर दे प्लानिंग अ ट्रिप। सो बच्चों फोर्थ फिफ्थ सिक्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। ओके आई होप यू कैन डू इट। ओके नाउ दिस इज जी एक्सरसाइज, कंप्लीट दीज क्वेश्चंस यूजिंग आर और हिज। सो बच्चों इस किसके लिए लगता है, पता है आपको, इज लगता है सिंगुलर नाउन के लिए। जब हम किसी एक की बात कर रहे हो तब हम लगाते हैं इज, और आर जब हम बहुत एक से ज्यादा की बात कर रहे हो या बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो या फिर वी और यू के साथ हम लगाते हैं आर। तो आर हम किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ राइट, प्लस वी के साथ और प्लस यू के साथ। ओके और हम इज लगाते हैं किसके साथ, सिंगुलर के साथ। ओके तो ये आपको हमेशा याद रखना है, सिंगुलर का मतलब वन, जो एक हो वो है सिंगुलर। सो डैश राहुल हैविंग लंच एट होम, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राहुल की। राहुल हैविंग लंच एट होम, क्या राहुल घर पर लंच कर रहा है या खा रहा है। सो एक की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज आ जाएगा। दे प्लेइंग इन द क्लासरूम, वो क्लास में खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, आर। ओके डैश शी कुकिंग फूड फॉर देम, तो कौन कुक कर रहा है, शी, शी इज वन, तो क्या आएगा, इज शी कुकिंग फूड फॉर देम। हिना बेकिंग अ केक, क्या हिना
केक बेक कर रही है, किसकी बात हो रही है, सिर्फ हिना की हो रही है, तो इज ओके। डैश वी गोइंग टू द जू टुमारो, क्या हम कल जू जा रहे हैं, हम, मैंने आपको बताया कि वी के साथ क्या आता है, आर ओके, तो यहाँ पर लगेगा आर ओके। डैश इट कोल्ड आउटसाइड इज ओके, दे आ गया, आर आएगा। डैश यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, यू के साथ भी क्या बताया बच्चों, क्या आता है, आर आता है, राइट। डैश यू हंग्री, आर यू हंग्री ओके। दे डांसिंग इन द पार्क, आर दे डांसिंग इन द पार्क ओके। यू रीडिंग अ बुक, यू आर आएगा यहाँ पर भी। डैश शी योर काउ, क्या ये तुम्हारी गाय है, इसकी बात हो रही है गाय की, तो गाय एक है, सो इज शी योर काउ ओके। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और आप प्लीज इसको लिख लीजिए ओके। सो आई होप बच्चों कि जितना भी मैंने आपको बताया है सिंपल सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। हमेशा याद रखना है सेंटेंस को कैसे ऐड करना है, लिखना है स्टार्ट कैपिटल लेटर से और एंड करना है फुल स्टॉप पर ओके। सो नाउ दिस इज नेक्स्ट एक्सरसाइज, Who are they? So, आपको क्या करना है बच्चों, Answer the following questions with the help of clue box. Who are they? ये कौन है? So, clue box हमारा यहाँ पर है. Okay. So, this is our clue box. Okay? और हमें इनमें से answer लिखना है वहां पर. Okay? तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो सकता है यहाँ पर. Who are they? ये लोग कौन है, ये आपको बच्चों लर्न करने हैं, राइट। सो प्लीज डू दिस, दिस इज योर वोकैबुलरी टॉपिक, Who are they? So answer the following questions with the help of clue box. आप मेरे साथ लिखते जाएंगे। A person who believes in God, theist. Okay? जो इंसान भगवान में बिलीव करता है। A person who doesn't believe in God, A theist, ठीक है? A person who is liked by the people, जिसको सब लोग पसंद करते हैं, उस इंसान को क्या कहते हैं हम? Popular होता है वो, कौन होता है वो? Popular, okay? और a person who tries to solve a crime, जो किसी crime को solve करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? Yes, detective, right? Detective कहते हैं ना? ओके, अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, जो मीट नहीं खाता, जो नॉन वेज नहीं खाता, उसको क्या कहते हैं? वेजिटेरियन, वेजिटेरियन ओके। अ पर्सन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है, उस इंसान को क्या कहते हैं? पैट्रियट ओके ओके। अ पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े सिलता है, क्या कहते हैं बच्चों से? यस, उसे कहते हैं टेलर ओके। अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड्स एंड केक्स, जो ब्रेड बनाता है केक बेक करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? यस, दिस इज राइट, बेकर ओके, उसे कहते हैं बेकर। चलिए आगे चलते हैं, आप इसे मेरे साथ साथ फिल करते जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा। एंड चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये याद करना है ओके। आपको याद होना चाहिए, जैसे कोई आपसे फटाफट पूछे तो आप बता दें। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, तो वो कौन होता है? ऑप्टिमिस्ट। A person who looks bright side, मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी इनकी स्पेलिंग्स, optimist, right? चलिए आगे चलते हैं। A person who looks at the bright side of the things, optimist, optimist, ठीक है? तो प्लीज आप मेरे साथ लिखते जाएं। A person who looks at the dark side of the things,
pessimist. ठीक है, a person who looks after people who are ill. So कौन ध्यान रखता है? Nurse. Okay, a person who works on a ship, sailor. Right? Okay, a person who paints a picture, painter. Okay, who paints a picture? It's a painter. Painter भी हो सकता है, artist भी हो सकता है. Okay, a person who gives judgment in the court, judge. Okay. तो हम यहाँ पर देखते हैं क्लू बॉक्स में हमारे लिए हु पेंट्स अ पिक्चर में क्या दिया हुआ है, फिर हमें पता चल जाएगा. यस, पेंटर, राइट. तो इस तरह से आपको ये याद रखना है दैट हु आर दे, आपको लर्न करना है बच्चों. ठीक है, आप मेरे साथ साथ फिल करते चले तो आपके लिए इजी हो जाएगा बाद में लर्न करना. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.